हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी में। और पेपर टू की शुरुआत कर रहे हैं। पेपर टू में हमने कुछ लेक्चर कवर किए थे, लेकिन पेपर टू शुरू में ही वहीं पर ही अभी रुका था। तो पेपर टू आगे बढ़ाते हैं और सोशियोलॉजी कवर करते हैं। जैसे हमने एक A1 कंप्लीट कर दिया था, लेकिन हमने कुछ वीडियोज़ बनाए थे अपने क्रैश कोर्स के लिए। तो वो क्रैश कोर्स में जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो थे, जो कॉन्सेप्ट कवर करते थे, तो उन वीडियोज़ को अब हम जो क्या करते हैं, डी क्लासीफाई मतलब सभी के लिए पब्लिकली अवेलेबल कराना शुरू करते हैं। तो वही जैसे जैसे A1 में घुरे हैं M.N. श्रीनिवास एंड A.R. देसाई। आपको पता है जैसे जो जो अपना पूरा का पूरा सिलेबस पेपर टू का ABC में बटा हुआ है। तो ए में A1 और A2 हैं, बी में देन आगे 6 चैप्टर्स हैं, सी में आगे अपने पास 7 के आसपास चैप्टर्स हैं ओवरऑल। तो ये कंप्लीट A1 इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा कंटिन्यूटी आए, थोड़ा फ्लो आए। हमने वैसे प्रीवियसली लेक्चर्स में कवर किया हुआ है A1 के जो ये कंपोनेंट्स, घुरे, श्रीनिवास एंड देसाई, लेकिन मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, इसमें कंप्लीट टोटल एक ही जगह कवरेज है। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ जगह पर टाइपोज हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स थे, तो हैंड रिटन नोट्स को जब हमने टाइप करवाया था तो उसमें टाइपोज आ गए थे, तो वो लेक्चर में साथ में ही रिकॉर्ड हो गए हैं टाइपोज, जो जैसे स्पेलिंग मिस्टेक एक्सेट्रा। तो साथ साथ लेकिन मैं लेक्चर में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो लेक्चर में मैंने साथ साथ में उनको करेक्ट करने की ट्राई की है। तो आप अपने नोट्स में भी उनको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है? अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर ये नोट्स में ऐसा देखेंगे तो आपको वहां पे गलतियां जो आपकी साथ ही चली जाएंगी। तो लेकिन क्या करना है, आपने जो लेक्चर में साथ साथ में नोट करते रहना। और क्योंकि देखो, लेक्चर लगाओगे तो कहानी भी समझ अच्छी आएगी ना, तो कहानी भी समझ लो। एंड पूरा का पूरा आज A1 कवर करते हैं, देन नेक्स्ट लेक्चर में A2 कवर करने की ट्राई करेंगे। तो यही कुछ लेक्चर्स हैं जो हमने प्रीवियसली बनाए थे, आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। एंड आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी हम पेपर टू खत्म करने की ट्राई करेंगे। पेपर टू रिलेटिवली काफी छोटा छोटा आउट से इंटरेस्टिंग है, सिंस काफी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहता है, और जैसे स्टैटिक पार्ट तो उसमें चलो है ही है, लेकिन अपने सिंस इंडिया की बात है तो इंडिया की बात जल्दी समझ आती है हमें। और पेपर वन रिलेटिवली थोड़ा लेंदियर होता है, पेपर टू जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन हम पेपर टू में एक एक टॉपिक, एक एक कंपोनेंट कवर करेंगे। जैसे हमने इस बार अपने सोशियोलॉजी के क्रैश में बच्चों को पढ़ाए, हमने बहुत सारे सवाल सॉल्व करवाए थे, तो उन सवालों के थ्रू काफ़ी जो पेपर में हेल्प हुई कि आपको आंसर बनाने आ जाते हैं, जो आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करने आ जाते हैं। तो वो चलो लेटर ऑन स्टेज की बात है, अभी कॉन्सेप्ट बनाते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। तो आइए, जो आपको लेक्चर आगे जो आपको मिलेगा, दैट इज़ योर कंप्लीट A1, उसको जल्दी से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके साथ में जो एसोसिएटेड जो हमारे PDF हैं, वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, वेबसाइट में भी अपडेट करने की ट्राई करेंगे। तो लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में तो आपको पक्का मिल जाएगा, स्लीपी क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप सर्च कीजिए, उसमें सभी कुछ जो भी हम कोई PDF डालते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। दैट हैज बिकम वन वेरी ईजी मेथड ऑफ सेंडिंग पीपल PDFs। बाकी टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज भी अपग्रेड कर दी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो अपग्रेडेड टेस्ट सीरीज में हमने करंट अफेयर्स पे फोकस बढ़ा दिया है, क्योंकि हमारा कुछ थोड़ी सी इंटरनली हम जैसे स्टडी कर रहे थे, मैं आपको बताया था प्रीवियसली, उसमें हमने पता थोड़ा से बात के ऑब्जर्व कर रहे हैं कि UPSC का थोड़ा रुझान बढ़ता जा रहा है करंट अफेयर्स की तरफ, जो UPSC बाकी एग्जाम कंडक्ट करता है उसके थ्रू अगर हम देखें। तो हमने 6 एक्स्ट्रा टेस्ट डाल दिए सिर्फ करंट अफेयर्स के, आप ज्वाइन कर सकते हैं, इट विल हेल्प यू इमेंसली। पूरा का पूरा ध्यान रख के चलते हैं ना, प्री भी करेंगे, मेंस भी, ऑप्शनल भी, सब कुछ इकट्ठे लेके चलते हैं, और हो सकता है ये अगर हम अच्छे से मेहनत करके और टाइम को मैनेज करने की ट्राई करें। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं आगे पूरा का पूरा A1। अगर वहाँ पे कुछ अगर टाइपोग्राफिकल एरर हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू अगेन, उनको ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि गलत नाम लिखेंगे किसी थिंकर का तो उसमें नंबर कटेंगे, ठीक है? तो उसको ठीक कर लीजिएगा। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में, और सोशियोलॉजी का पेपर टू शुरू करते हैं। ये टॉपिक हमारा जो है A1, ये हमने YouTube पर भी कवर किया है, इसके बियॉन्ड भी कुछ पेपर टू के टॉपिक्स कवर किए हैं, लेकिन ये A1 तो थोड़ा टोटली कवर्ड है। तो यहाँ पर देखो, जो पर्टिकुलरली जो पेपर टू हमारा जो है वो इंडियन सोशियोलॉजी की बात करते हैं, रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही यहाँ पर देखे जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको जो आप जो पढ़ोगे जैसे पूरे पूरे चैप्टर्स में, या फिर ऐसे जो आपने पेपर वन में जो थ्योरीज पढ़ी होंगी, उन सबको आपको थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली यू विल फॉर्म गुड आंसर्स। तो देखो, अपने आपको कहने का एजेंडा क्या है कि जो पेपर वन में पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन पेपर टू में होगी, एंड जो पेपर टू में अभी आप पढ़ोगे वो उसकी एप्लीकेशन पेपर वन में भी रहेगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, जो एक एक टॉपिक यहाँ गिवन है, देखो ऐसे लेट्स से ना, आपको जैसे मान लो हम एक चैप्टर में हम जब पढ़ेंगे मिडिल क्लास के बारे में, तो आपको वो टॉपिक में क्या पूछते हैं कि अच्छा मिडिल क्लास के कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए, मिडिल क्लास के इंडियन मिडिल क्लास के फीचर्स बता दीजिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड अ लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स दैट विल कीप कवरिंग। तो
जनरली यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या निकल कर आती है कि पूरा एक एक जो हम यहाँ पर जो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं हमें वो ना तो हम सिर्फ कवर करें बल्कि हमें याद भी हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको एक एक कंटेंट पूरा यहाँ डिलीवर करने वाला हूँ बहुत रैपिडली, क्योंकि अगर सेलेक्टिवली डिलीवर करूँगा तो कहीं ना कहीं मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जैसे लेट्स से अगर मान लो मैं इसमें इस चैप्टर वन में क्रैश कोर्स का समझ कर आपको इंडोलॉजी के बारे में घूरे बता दूँ, श्रीनिवास कवर ना करूँ और देसाई बता दूँ तो पेपर में श्रीनिवास पूछ लिया जाए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं ये अजम्पशन के थोड़ा बियॉन्ड जाते हुए मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि सब कुछ कवर कराया जाए, ठीक है। थोड़ा जल्दी रैपिड कवर करने के लिए हो सकता है कि मैं आपको बता दूँ, बस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे दूँ कि क्या है जैसे टॉपिक के अंदर, एंड अंदर आप उसको जैसे PDF पढ़ सकते हैं, आपको मैं सोर्स बता दूंगा वहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मेरा अटेम्प्ट यहाँ रहेगा कि मैं आपको मैक्सिमम कॉन्टेंट डिलीवरी करूँ, क्योंकि पेपर टू का जो कॉन्टेंट है वो बच्चों के पास जो ढंग से अवेलेबल नहीं होता, एंड जो पूरा जो कंटेंट एज सच उन्होंने नोट्स नहीं बनाए होते, बहुत से कोचिंग क्लासेस भी हैं वहाँ पे पेपर टू पढ़ा है ही नहीं जाता, तो पेपर टू का कुछ 25-30% कवर करके बाकी बोलते हैं कि ये सेम है ये सेम है। इट इज़ नॉट सेम, इट इज़ या इट इज़ रिलेटेबल बट इट इज़ नॉट सेम। तो इसलिए मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा आपको मैं कंटेंट कवरेज ज़्यादा करा दूँ, ठीक है। ओके, बाकी आपको जो आपने टेस्ट लिखे थे वो टेस्ट मैंने वापस जो आपको भेजने शुरू कर दिए, आप उस पर अपने फीडबैक को देख सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जो पर्टिकुलर जो वहाँ पर जो आप जो टेस्ट आ रहे हैं, जो अभी जो अपना पेपर वन का चैप्टर नंबर 10 जो है, चैप्टर नंबर 10 हमने वैसे यूट्यूब पर कवर किया है, उसका एक टॉपिक मैं चाहता हूँ एक्स्ट्रा कवर करना, वो मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा। देखो ऐसी ऐसी चीज़ें ना, मल्टीप्लिसिटी, बार बार एक ही चीज़ को कवर करी जाए, वहाँ पर भी यूट्यूब पर भी कवर किया, यहाँ पर भी कवर किया है, तो इट इज़ नॉट वेरी कॉन्ड्यूसिव फॉर बोथ ऑफ अस, मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो इसीलिए यहाँ पर चैप्टर 10 आपको यहाँ पर मैं आपको अगेन रिपीट करता हूँ, आप उसको यूट्यूब से फटाफट से देख सकते हैं, ठीक है। एंड वहाँ पर जैसे पर्टिकुलरली एक जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, डेवलपमेंट डिपेंडेंसी मैं आपके साथ कवर करूँगा यहाँ पर। लेकिन मीनवाइल बिफोर वी वेट फॉर दैट, क्योंकि उसके में कुछ यहाँ पर कॉन्टेंट में जैसे जैसे लैटिन अमेरिकन कुछ थियरीज होती हैं, तो उसमें एक आधी थियरी मैं चाहता हूँ मैं आपको अच्छे से कवर करा दूँ, तो वो कॉन्टेंट मीनवाइल डेवलप होगा। तो पेपर टू शुरू कर देते हैं, पेपर टू में 17 चैप्टर्स हैं, मेरा अटैम्प्ट रहेगा कि हम 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के इसको कवर करें, जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम तो यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास जो टॉपिक नंबर 1 है इंडोलॉजी, घूरे के बारे में जानना है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म श्रीनिवास के बारे में जानना है, एंड मार्क्सिस्ट देसाई के बारे में जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है इंडोलॉजी के बारे में हमने अभी रिसेंटली भी कवर किया है बहुत रिसेंटली यूट्यूब पर, और अदरवाइज भी अगर लेट्स से इंडोलॉजी क्या होता है कि इंडोलॉजी इंडिया की स्टडी है, इंडोलॉजी है ना इंडोलॉजी, एंड यहाँ पे अजम्पशन क्या है कि इंडियन सोसाइटी कल्चर काफ़ी यूनिक है, ठीक है। एंड इनको इंडियन जो अगर तरीकों को समझना है तो इंडियन टेक्स्ट्स के थ्रू ही समझ सकते हैं, वेस्टर्न तरीकों से समझना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बहुत से हमारे पास इंडोलॉजिस्ट भी रहे, इनके नाम अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है। एंड देन इंडिया में जैसे विलियम, आपको पता है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी वगैरह बनाई थी, अकॉर्डिंगली इंडिया को स्टडी करने के लिए इंडियन टेक्स्ट्स के थ्रू इंडियन तौर तरीकों से, ठीक है, इंडिया को वो समझना चाहते थे, एम्फोसिस था ना कि रिफॉर्म करना चाहते थे। उसके बाद जो GS घुरे जो है हमारे पास, घुरे को जो श्रीनिवास वगैरह ये वो जितने भी हैं ये आप डायलॉग्स वगैरह याद कर सकते हैं, इन सब ने इन सब के ये गुरु रह चुके हैं घुरे, ठीक है। तो अगर घुरे के बारे में आपको लिखना है तो 3 बातें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। पहला, इन्होंने सोशियोलॉजी अपने लेवल पे बहुत प्रमोट करी, बुक्स लिखी है ना, और नए नए जो नए नए तरह के कॉन्सेप्ट्स दिए। दूसरा, इंस्टीट्यूशन बनाए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट इंडिया में पहली बार एस्टैब्लिश हुआ, एक उन्होंने वहाँ मैगजीन भी शुरू करी। देन आता है इन्होंने बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट बनाए, ठीक है, पहले सोशियोलॉजी में कॉन्ट्रीब्यूशन, देन इंस्टीट्यूशंस में कॉन्ट्रीब्यूशन, देन सोशियोलॉजिस्ट बनाए जिन्होंने इनके अंदर रिसर्च करी, ठीक है। जो अभी आप देखो टॉप इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के नाम इन्हीं के स्टूडेंट रह चुके हैं। देन इनकी जो डॉक्टोरल थीसिस थी जो अपने एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं रिवर्स, उनके अंडर थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया, हम पढ़ेंगे भी कि क्या होता है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। उसके बाद इनकी जो अप्रोच डिस्टिंक्ट क्यों है, घुरे के लिए आपके पास बहुत सामान दे रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको, ठीक है, आपको घुरे की अप्रोच बाकी इंडोलॉजिस्ट से डिस्टिंक्ट क्यों है, इन्होंने ना सिर्फ संस्कृत पढ़ी, इन्होंने वर्नाकुलर भी पढ़ा, ठीक है, इन्होंने मराठी वर्क्स वगैरह को भी पढ़ा, कालिदास वगैरह से शुरू करके मराठी सभी कुछ पढ़ा इन्होंने। डिफ्यूजनिस्ट मेथड क्या था, ये क्या बोलते थे कि जैसे जो ये सेंस कहते हैं रिवर्स का, जो प्रोफेसर रिवर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस है ये, कि ये पर्टिकुलरली कल्चर को समझते थे कि ना बहुत सारे कल्चर्स आपस में मिल जाते हैं, डिफ्यूजन हो जाती है, उससे कुछ नया निकलता है। तो ये इंडोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी सबको मिक्स करके पढ़ना चाहते थे डिफ्यूजनिस्ट से, एक ही अपने आप को एक ही किसी तरीके पर लिमिटेड नहीं रखते थे कि मैं ऐसे फॉलो करूंगा। देन इसी को आगे हम क्या बोलते हैं,
मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म की डॉगमेटिक, मतलब कि एक ही तरह के तरीके को फॉलो नहीं करते, बहुत सारे कहते हैं डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन रहो। एक्लेक्टिसिज्म मतलब कि जो भी ठीक लगता हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो थियोरी एंड मेथडोलॉजी फॉलो कर सकते हैं, ये इनकरेज भी करते थे इस बात को। जैसे इनकी ना कुछ आपको फील्ड सर्वे, जैसे इन पे एग्जाम लगता है कि ये आर्म चेयर थियरिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने फील्ड सर्वे भी किया है, सेक्स हैबिट्स ऑफ द मिडिल क्लास पीपल इन मुंबई, इन बॉम्बे एंड महादेव कोलीज, कोलीज वहाँ पर एक ट्राइबल ग्रुप आप पढ़ते भी हो जीएस में, तो इन सबको उन्होंने फील्ड सर्वे करके उन पर बहुत कुछ लिखा भी है। एंड देन हिस्टोरिकल एनालिसिस भी किया, कंपैरेटिव एनालिसिस यूज़ किया, तो बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए हैं, तो जो कि अगर हमें उनके बारे में पता हो तो अच्छी बात है। देन मेथडोलॉजी अलग अलग यूज़ करी, थेरेटिकल परस्पेक्टिव भी इनका बहुत सारा है, कभी कभी इंडक्टिव है कभी कभी डिडक्टिव है। तो जो इनका जो ब्रॉडर जो आइडिया है वो लिसाजे फेयर का है। लिसाजे फेयर मतलब कि बहुत इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए हमें रिसर्चर के साथ, रिसर्चर अपने आप ही जो रिसर्च के पर्सपेक्टिव्स के चलते हुए अपने आप ही डाइवर्सिटी लाता रहता है अपनी रिसर्च में, इसीलिए ये क्या बोलते हैं कि हमें ओवरऑल हमें डिसिप्लिनड एक्लेक्टिसिज्म, ये डायलॉग अच्छा है, इसको हमें दिमाग में रखना है, ठीक है, डायलॉग को उसको इनकरेज करते हैं, ठीक है। देन अब आगे इनकी जैसे किताब वगैरह के बारे में देखते हैं, इनकी जो टोटल जो इन्होंने जो काम किए हैं वो टोटल 6 तरह से डिवाइड कर सकते हैं इसके, कहीं ना कहीं जैसे आप इसका प्रिंट आउट लेंगे तो यहाँ पे लिख के रखना, ठीक है। जैसे शॉर्ट नोट होता है ना जो पेपर से पहले आप पढ़ोगे, जैसे कास्ट के बारे में इन्होंने क्या क्या कहा, ठीक है जी, उसके बाद इन्होंने रिलीजन के बारे में क्या क्या कहा, ओके जी ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो ऐसे ना 6 पॉइंट्स हैं शॉर्ट नोट्स, यहाँ पर तो बहुत कहानी लिखी हुई है हमने लेकिन शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए हमारे पास। इनके जो कास्ट के अप्रोच को क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूशनल अप्रोच, एट्रीब्यूशनल मतलब कि एट्रीब्यूट हैं कि कास्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उन्हीं एट्रीब्यूट्स को अगर समझ लिया जाए तो अकॉर्डिंगली हम कास्ट को समझ सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। एंड ये क्या बोलते हैं कि जैसे इन पर जैसे इंडिया पर आए दिन इल्ज़ाम लगता है कि कास्ट सिर्फ इंडिया के लिए यूनिक है, कहते नहीं सर, कास्ट के पैरेलल्स हैं, बहुत सी सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करती है, और ये इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क भी है कास्ट को समझ, जो अगर हम देखें कि कास्ट अगर इंडिया में एक इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, पूरे इंडिया में कैसे हायरार्की चल रही है, कैसे डिवीजन चल रही है, उसको समझने के लिए कास्ट सिस्टम एक ब्रॉडर एक फ्रेमवर्क है समझने के लिए, ठीक है। इंटीग्रेटिव नॉट इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहा है वाला एस्पेक्ट से बियॉन्ड जाके देख रहे हैं, ये एक फ्रेमवर्क है जिसको हम समझ सकते हैं पूरे देश में क्या क्या डाइवर्स तरह से हायरार्कीज वगैरह फॉर्म हुई हैं। देन कास्ट के ये फीचर्स बताते हैं, आपको पता होना चाहिए, सेगमेंटल डिवीजन, हायरार्की है ना, देन जो ऑक्यूपेशन पे जो लैक ऑफ चॉइस होती है, प्रिविलेजेस एंड जो और प्रोहिबिशंस होती हैं, किसी को कुछ खासियत, किसी को कुछ वहाँ प्रोहिबिशंस, देन कॉमेंसैलिटी मतलब जो इकट्ठा फूड खाने की बात हो रही है उस पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, एंड मैरिज पे रिस्ट्रिक्शन है, एक्सोगेमी एंडोगेमी के रूल्स, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर क्योंकि देखो बहुत आपको ना एज सच कास्ट पर अगर कास्ट वाले चैप्टर में जाके घूरे के पॉइंट दोबारा आपको रिवाइज करने होंगे, यहाँ पर इसका कोई कीवर्ड बना के रखना, हमने तो शॉप सीपी बनाकर याद किया हुआ है, ठीक है, आप भी कीवर्ड बनाते रहो जो भी आपको अच्छा लगता हो ताकि याद रहे, सेगमेंटल, हायरार्की, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या, आज़ादी की लैक ऑफ चॉइस, लैक ऑफ चॉइस, ठीक है, देन प्रिविलेजेस, कॉमेंसैलिटी, कॉमेंसैलिटी की आज़ादी या रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या है, और सॉरी शॉप सीएम एंड मैरिज पर रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ऐसे आपने अपने अपने ये कीवर्ड्स बना के रखो ताकि अकॉर्डिंगली आपको भी याद आ जाए, वहाँ पे रिकॉल हो जाए, एग्जैक्ट पॉइंट लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलते हैं हमें। ट्राइब्स, ट्राइब्स पर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जैसे इन्होंने महादेव कोलीज पर काम किया हमें पता है, एंड जनरल बुक भी लिखी ऑन शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया, तो ये ओवरऑल ये क्या बोलते हैं कि देखो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वगैरह जो हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने अपने अपने तरह से अप्रोच कर जो उनकी थी, जो बाकी जो जैसे बहुत से एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जैसे अगर हम आगे पढ़ेंगे भी एल्विन से इनकी लड़ाई होती है, वेरियर एल्विन, तो एल्विन क्या बोलते हैं कि ट्राइब्स को छोड़ दिया देना चाहिए, आइसोलेशन में रखना चाहिए, तो घुरे क्या बोलते हैं कि नहीं सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, कहते काफ़ी जो हमारे ऑलरेडी हमारे काफ़ी ट्राइब्स हैं वो हिंदूआइज हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदूज के बहुत देर से वो कॉन्टैक्ट्स में हैं तो वो हिंदूआइज हो चुके हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो क्या बोलते हैं कि इस अगर हमें ट्राइब्स को देखना है तो कहते फ्यूटाइल होगा कि हम अगर उन्हें छोड़ देंगे ऐसा, क्योंकि कहते अभी जो जो ट्राइब्स को अगर आप सोशोलॉजी की नज़र से देखोगे तो वो बैकवर्ड कास्ट हिंदूज की तरह नज़र आते हैं, ठीक है, बैकवर्ड कास्ट हिंदूज हैं वो, एंड वो कहते हैं बैकवर्डनेस क्यों है, क्योंकि अभी इम्परफेक्टली इंटीग्रेटेड है, वो कह रहे हैं अगर हम इनको परफेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे तो ये भी जो फॉरवर्ड कास्ट की तरह नजर आएंगे। तो एल्विन अपनी किताब लिखते हैं लॉस ऑफ नर्व, ऐसे है वैसे इनका, तो लॉस ऑफ नर्व लिखते हैं, वो बोलते हैं कि घुरे की अप्रोच बिल्कुल गलत है, जो जो हिंदूज को उसके साथ उनको चाहते हैं असिमिलेट करवा देना तो उनको छोड़ देना चाहिए, तो एल्विन की अप्रोच हमें याद रहेगी, ट्राइब्स में कवर भी करेंगे, आइसोलेशनिस्ट अप्रोच है, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ये अपने जो लेटर ऑन जब उनके टूवर्ड्स जो करियर के जो लेटर पार्ट में ये लिखते हैं कि सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज भी हैं, जब भारत आज़ाद होने वाला उसके आसपास जब नागालैंड वगैरह में जब ये लिखते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पे सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज हैं ट्राइब्स की, इसलिए इनको थोड़ा सा
कंट्रोल में अकॉर्डिंगली स्टेट को रखना पड़ेगा, अदरवाइज देश के टुकड़े हो सकते हैं. तो ये घुरे का मानना है, ठीक है. एंड देन किनशिप फैमिली मैरिज पे क्या बोलते हैं ये, कि जैसे कि किनशिप के बारे में बताते हैं कि एक जैसे इफेक्टिव यूनिट होती है कास्ट की, एंड अकॉर्डिंगली कास्ट और सब कास्ट वगैरह में किन्समैन, किन्समैन मतलब आपके भाई बंधु रिश्तेदार ही रहते हैं अकॉर्डिंगली. वो कह रहे हैं कि तीन तरह की चीज़ें होती हैं, एंडोगेमी विद इन जो मैरिज, एक्जो जो आउटसाइड मैरिज की ग्रुप में मैरिज नहीं करनी, एंड हाइपरगेमी मतलब जैसे कि रूल्स हैं कि ऊपर शादी किसकी हो सकती है, नीचे शादी कास्ट में नहीं हो सकती अकॉर्डिंगली, हाइपरगेमी के रूल्स. तो वैसे ये सपेंड बोलते हैं, सप्त बोलते हैं, ऐसे इतना याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस यहाँ इनके वर्ड्स यूज़ करते हैं, ये संस्कृत के वर्ड्स हैं, तो एज सच कभी पूछे भी नहीं जाते, ना ही कभी हमारे यूज़ हो पाते हैं, तो इसलिए वी कैन ऑलवेज जो वी कैन जस्ट लेट इट बी, क्योंकि इसके बारे में रिसर्च करना शुरू करेंगे तो अलग ही हमारा टाइम निकल जाता है. तो अब यहाँ पे जो किनशिप मैरिज फैमिली वगैरह पर अकॉर्डिंगली वो क्या बोलते हैं कि जो विद इन द कास्ट है, विद इन द कास्ट आपकी क्या होती है, आपकी एंडोगेमी होती है, एंड विद इन सब कास्ट क्या होती है, एक्सोगेमी होती है. दैट्स इट, ठीक है. जो कास्ट के विद इन एंडो, सब कास्ट के विद इन या गोत्र के विद इन एक्सो, ठीक है. ओके, आगे अब कल्चर सिविलाइजेशन, यहाँ पर ये लिखा हुआ है गोत्र एक्सोगेमी है, ठीक है. संस्कृत वर्ड तो याद करके क्या करना है, ठीक है. जो विद इन द गोत्र एक्सोगेमी है, विद इन द कास्ट क्या है, विद इन द कास्ट इज आपकी एंडोगेमी. कि कास्ट जैसे कि लेट्स से ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण में ही होगी, लेकिन ब्राह्मण के अंदर जो गोत्र होंगे, अंदर जो सब कास्ट हैं, उनके अंदर शादी नहीं होगी. गेटिंग इट? ओके. देन इनका अलग जो तीसरा जो पॉइंट है वो है कल्चर सिविलाइजेशन एंड हिस्टोरिकल रोल ऑफ सिटीज़. तो ये क्या बोलते हैं कि हमें रर्बनाइजेशन करना चाहिए, जो अभी स्कीम भी चल रही है रर्बनाइजेशन की, कि अर्बन लाइफ के कुछ और जो नेचर की ग्रीनरी दोनों को मिक्स करना चाहिए. एंड वो क्या बोलते हैं कि अंग्रेज़ों ने आके हमारा विलेज का सिस्टम को इन्वर्ट कर दिया. पहले विलेजेस सरप्लस प्रोड्यूस करते थे, सिटीज़ भेजते थे बेचने के लिए, विलेजेस में भी खुशहाली थी, अंग्रेज़ों ने आके सिटीज़ में इंडस्ट्री चलाई, एंड यहाँ पर जो बच रहा था एक्स्ट्रा वो विलेजेस भेजना शुरू किया, तो विलेजेस बहुत डिपेंडेंट हो गए, एंड वहाँ से विलेजेस बदहाल हो गए, एंड अकॉर्डिंगली विलेजेस में गरीबी आती है. तो उन्होंने बोला कि कहाँ पर किस तरह, जैसे कि विलेजेस पहले इतना प्रोड्यूस किया करते थे एक्स्ट्रा, एंड जो सिटीज़ वर मार्केट्स, अंग्रेज़ों ने आके इसको बदल दिया, एंड रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके उनको महंगा सामान बेचा विलेजेस को बर्बाद किया. एंड देन उसके बाद सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे आगे, जैसे अगर हमने देखा कि हिस्टोरिकल रोल ऑफ सिटी में, तो सिविलाइजेशन में क्या बोलते हैं कि कहते हैं इंडिपेंडेंट ग्रोथ ऑफ कल्चर. जैसे देखो दो तीन तरह के विचार हैं, कि एक तो है इंडिपेंडेंट ग्रोथ ऑफ कल्चर, कि कल्चर ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहा है. दूसरा होता है कि बाय डिफ्यूजन. बाय डिफ्यूजन मतलब कि एक जैसे एक जगह कोई चीज़ बनी अगर दूसरी जगह ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है, जैसे आजकल तो आईटी के थ्रू तो बहुत जल्दी पहुंच जाती है, पहले आईटी नहीं था तो स्लोली एंड स्टेडीली पहुंच जाती थी, ठीक है. तो इसीलिए कि वो क्या कह रहे हैं कि इंसान क्या करता है, अब इनका जो विचार क्या है, इंसान क्या करता है कि इंसान अपने जो कल्चर का बेस्ट प्रिजर्व करके बाकी कल्चर का सामान भी, बाकी कल्चर्स की चीज़ें भी अपनाता है, ठीक है. तो ये इनका जो मानना है अबाउट कल्चर, ठीक है. तो ये बात भूलनी नहीं आपने कि किस तरह से सिविलाइजेशन ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, एंड इंसान प्रिजर्व्स द बेस्ट ऑफ इट्स ओन कल्चर वाइल एक्सेप्टिंग द बेस्ट ऑफ अदर कल्चर्स. तो एक रिलीजन के बारे में, क्योंकि देखो क्विकली हमारे पास बहुत टाइम होगा ही ना कि इनके बारे में लिखने का, घुरे पे आता भी है हमें, तो कुछ लाइंस, कुछ तरह की बातें बतानी चाहिए. तो यह जैसे ये वाला था अकल्चरेशन, बेस्ट ऑफ ओन प्लस बेस्ट ऑफ अदर्स. ओके, रिलीजन में क्या बोलते हैं कि कहते कल्चरल हेरिटेज का सेंटर रहता है ये हमेशा रिलीजन. इन्होंने किताबें लिखी है, 6 किताबें लिखी हैं रिलीजन पर, पर्टिकुलरली इंडियन साधुज इनकी सबसे फेमस बुक है. एंड देन गॉड्स एंड मैन, रिलीजियस कॉन्शियसनेस जो एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो इंडियन साधुज सबसे फेमस बुक है इनकी. एंड ये क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कि कहते हैं पैराडॉक्सिकल नेचर है हमारे यहाँ साधुज की, रेनन्सिएशन की, सब कुछ त्याग भी देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी सोसाइटी के साथ जुड़े रहते हैं, सोसाइटी को गाइड करते हैं. जो गाइड करने के बाद क्या करते हैं वो, कहते हैं नॉट ओनली गाइड करते हैं, कहते बहुत सारी जो डिबेट्स हैं जहां पर लोगों में मतभेद है उनको साधुज ही रिजॉल्व करते हैं. तो इसलिए कहते हैं कि पैराडॉक्सिकल नेचर है रेनन्सिएशन की. तो इसलिए जैसे शंकराचार्य के बाद बोलते हैं कि ये यहां पर जो साधुज बहुत ज्यादा जो जुड़ने शुरू हो गए थे समाज के साथ. ओके, देन कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन पे क्या बोलते हैं, इन्होंने एक ट्रायोलॉजी लिखी है बहुत ही फेमस, और ये नाम क्या है, 3 किताबों का एक सीरीज थी, सोशल टेंशन इन इंडिया, विदर इंडिया एंड इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी, ठीक है. तो ये वो बोलते हैं कि हमारे पास 5 सोर्सेज हैं जो नेशनल यूनिटी को चैलेंज दे सकते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस, मुस्लिम्स क्योंकि रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, एंड देन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. तो ये बोलते हैं कि इन 5 चैलेंजेस पर काम करना जरूरी है अगर नेशनल यूनिटी प्रिजर्व रहेगी. तो इनसे पूछा गया कि अलग देख सकते हैं हम कि नेशनल जो कल्चरल यूनिटी हमारे देश में, कल्चरल यूनिटी क्यों है, वो कहते हैं ब्राह्मणिकल एंडेवर है कि ब्राह्मण्स ने सब तरफ कल्चर फैलाया, ठीक है.
ब्राह्मण्स ने ही सब तरफ कल्चर फैलाया, अकॉर्डिंगली हमारे देश में कल्चरल यूनिटी है। ओके, अब घुरे का हमारा जो बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी है, मैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड गो टू यूट्यूब, हमारा जो वीडियो है वहाँ पर जो इंडोलॉजी के पर हमारा कंटेम्प्रेरी जो टेक है वो भी हमने कवर किया है। लेट अस नॉट कवर इट अगेन, नो हमने कवर किया ही हुआ है, तो आपको वो कुछ छोटा सा वीडियो ही है, फटाफट देखिए उसको, इंडोलॉजी पर कंटेम्प्रेरी टेक, ठीक है। एंड उसके साथ ही वहाँ पर जो इंडोलॉजी के कुछ क्रिटिसिज्म भी हमने डिस्कस किए हैं, एंड दोज आर वेरी वेरी रेलिवेंट टॉपिक्स। मैं एक एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर जो हमारी प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट में उस लिंक को यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। तो अदरवाइज मैं तो ये कहूँगा कि जाके यूट्यूब पर सर्च कीजिए फटाफट से, उस लिंक को देखिए, वहाँ पे साथ में उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो घुरे का क्रिटिसिज्म क्या है कि इनका जो जो पॉइंट ऑफ व्यू है ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत ज़्यादा ट्राइब को जैसे बोलना कि इंटीग्रेट कर लें, एसिमिलेट कर लें, कि हिंदूज में एसिमिलेट करके उनका फ़ायदा होगा, बहुत ही वैल्यू लोडेड कॉन्सेप्ट है कि हिंदूज ऑलरेडी बहुत ऐसे बेटर एक कम्युनिटी बनाई दिखती है उसमें, कि उसमें एसिमिलेट करके वो और अच्छे हो जाएंगे। एंड देन आर्म चेयर जो थियरिस्ट हैं बहुत ज़्यादा इन्होंने ग्राउंड वर्क नहीं किया हुआ, जो SC ST OBC मुस्लिम वगैरह को थ्रेट, ये मानना जरूर ये बहुत एक्सेप्टेबल नज़र नहीं आता, क्योंकि उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत पार्टिसिपेट किया। एंड देन उसके बाद करें इंडोलॉजी कंटेम्प्रेरी चेंजेस को इतना ध्यान में नहीं रख पाती, फील्ड स्टडी कर पाती है वो। एंड देन डिफरेंट इंडोलॉजिस्ट ने डिफरेंट तरह की थ्योरी दी है एक ही चीज़ की, कॉलोनियल इंडोलॉजिस्ट ने अलग बात बोली, इंडिया के कल्चर को बहुत ही बुरा बोला, जो नेशनलिस्ट जो इंडोलॉजिस्ट थे उन्होंने कल्चर को बहुत ही अच्छा बोला। एंड देन उसके बाद जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं जहाँ पे हम देख कुछ पढ़ भी रहे हैं कि हमारे देश का कल्चर क्या था क्या नहीं, कहते वो तो वैल्यू है, वो तो बता रहे हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन रियलिटी तो हमेशा ही डिफरेंट होती है, फैक्ट वर्सेस वैल्यू वाली डिबेट की, फैक्ट मतलब जो है, वैल्यू मतलब क्या होना चाहिए, वो कहते हैं ये तो हमेशा ही इसमें तो हमेशा ही डिफरेंस रहता ही है। एंड इसलिए वो कह रहे हैं कि हिंदू कल्चर को वो ये कल्चर ऑफ इंडिया बनाकर दिखा रहे हैं, तो विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसके बियॉन्ड भी कुछ क्रिटिसिज्म है, आप जो उसको देख सकते हैं वहाँ पर श्रीनिवास जी को कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको 10 मार्क्स का मिलेगा, 10 मार्क्स के लिए ये बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड इसीलिए मैं इसको रैपिडली कवर कर रहा हूँ 10 मार्क्स के अंदर। तो MN श्रीनिवास के बारे में बात करें, तो श्रीनिवास जी के बारे में यहाँ पे क्या है, वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट क्या होता है अकॉर्डिंगली, वो क्या बोलते हैं कि समाज में, अब इनका मानना क्या होता है स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट का, कि समाज में एक जो पर्टिकुलर जो भी स्ट्रक्चर अवेलेबल है या जैसे भी चीज़ें लगी हुई हैं उसका कोई फंक्शन है, ठीक है, स्ट्रक्चर का कोई फंक्शन है तभी वो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। एंड इस स्ट्रक्चर को जानना इनका एजेंडा रहता है, क्या क्या फंक्शन सर्व हो रहे हैं ये इनका एजेंडा रहता है। एंड अकॉर्डिंगली मेजरली जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट हैं वो इस ऑर्डर को इस पैटर्न को समझने के लिए जनरली फील्ड स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो रैडक्लिफ ब्राउन है इसके मेन प्रोपोनेंट है, जो स्ट्रक्चर को जानने पे आपको इसके ऊपर सेपरेट नोट भी पूछ सकते हैं स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म पर। तो आपको जो रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में पता होना चाहिए, इंडियन एप्लीकेशन पता होनी चाहिए कि कॉन्टेक्चुअल व्यू है, कॉन्टेक्चुअल मतलब कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, सिर्फ सिर्फ और जो कि हमारा जो पहले वाला था वो क्या था, इंडोलॉजी वॉज अ टेक्स्चुअल व्यू, ठीक है, एंड फील्ड स्टडीज अ कॉन्टेक्चुअल व्यू। तो ऐसे ऐसे डायलॉग्स मारोगे ना एग्जामिनर भी थोड़ा खुश होता है, उसको लगता है कि अच्छी बात बोल दी आपने, ठीक है। फील्ड व्यू तो बहुत ही कॉमन हमारा एक शब्द है ही है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पर जो रहे कुछ जो इस पर्सपेक्टिव को फॉलो करने वाला, जिसमें से श्रीनिवास को हम पढ़ेंगे। दुबे यूज टू बी अर्लियर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि अगर हम जैसे झांक कर देखते हैं हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, उसमें दुबे पे सवाल आए हुए हैं, ऐसा लगता है कि ये क्यों पूछ लिया। तो अगर आप हम पुराना सिलेबस उठा के देखते हैं पता लगता है दुबे वॉज पार्ट ऑफ सिलेबस, अभी नहीं है, ठीक है। तो विलियम वाइजर वगैरह क्या बोलते हैं, जजमानी सिस्टम की बात करते हैं, जजमानी हुआ करता है, वो एक स्ट्रक्चर था बहुत ही फंक्शनल एट्सेट्रा, ठीक है। अब श्रीनिवास जी के अगर हम ब्रॉडर थ्योरी देखें, थ्योरीज हमारे पास 4-5 तरह से नज़र आती हैं, सोशल चेंज, रिलीजन, सोसाइटी स्टडी, विलेज पे करते हैं, कास्ट पे करते हैं, डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट। देखो ऐसे ना हर एक थिंकर्स के बारे में ना ब्रॉडर अगर आप कुछ कुछ निकाल पाओगे उनके बारे में, ये कुछ जैसे शब्द मान लो कि श्रीनिवास के जो एक सबसे फेमस जो वर्ड है वो है डोमिनेंट कास्ट, है ना, संस्कृताइजेशन, या अगर आपको वर्ड कहीं लिख के रख लिया। एंड देन उसके बाद ये वो किस तरह से बताते हैं कि किस तरह से वेस्टर्नाइजेशन हो रही है, तो है ना ये जो अब ये कुछ ना हर एक थिंकर के ना कुछ स्पेसिफिक से वर्ड्स होते हैं जो उन्होंने दिए होते हैं। अगर हमें ना वो वर्ड्स हम अपने आंसर्स में ड्रॉप करें, डेफिनेटली डेफिनेटली हमारी एज है बाकी लोगों से। देखो डेफिनेटली जो पूछा हुआ है वो तो रेलिवेंटली हमें आंसर करना ही है। मैं अभी जो टेस्ट चेक करके मैंने बच्चों को वापस दिए उसमें ऐसा है कि ना जो सवाल क्या पूछा है उस पर थोड़ा ध्यान कम है, जो आपको पता है वो ज़्यादा ध्यान है उस पर, ठीक है। तो जो सवाल जो पूछा है वो तो हमें आंसर करना ही करना है, गोज विदाउट सेइंग, बट एट द सेम टाइम उस थिंकर की अगर थोड़ी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लेंगे नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके, अब
श्रीनिवास जी पर क्या है, कहते हैं इन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म हमारे देश में शुरू किया, और मैक्रो सोशियोलॉजिकल, देखो डायलॉग्स हैं ये कहीं लिख के रखना अंडरलाइन करके, मैक्रो सोशियोलॉजिकल जनरलाइजेशंस करी हैं किस पर, माइक्रो एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट्स पर, ठीक है। मतलब कि माइक्रो एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब कि विलेज स्टडीज वगैरह करी, छोटी छोटी चीज़ें जाके जानी, उस पर पूरे देश के बारे में बता दिया, जनरलाइज कर दिया कि पूरे देश में क्या चल रहा है, एंड देन थ्योरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल इनका पर्सपेक्टिव क्या क्या रहा, इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने बोला कि जो टेक्स्ट बुक से हट के हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ जाना है, फील्ड स्टडी करनी, आपको पता ही है, तो कूर्ग जैसे जगह है कर्नाटका में, वहां पर जाके इन्होंने स्टडी भी करी है, कूर्ग जो कूर्ग में रहने वाले कि उनको क्या बोलते हैं, कूर्ग्स बोलते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए क्या बोल सकते हैं हम कि कहते किस तरह से, कहते हैं हमारे देश में कॉमन एक कल्चर है रिवर्स की वर्शिप करने का, गंगा की वर्शिप, कावेरी की वर्शिप है ना, नॉर्थ एंड साउथ कहते कि कितना कॉमन कल्चर है, जो तो जो कूर्ग्स कौन होते हैं, कूर्ग्स आर जो पीपल हु आर लिविंग इन द एरिया कूर्ग, जो कूर्ग में रह रहे हैं, एंड वो क्या बोलते हैं कि कहते हैं इसीलिए कहते हैं कि पर्टिकुलरली एक जो सिस्टम जो सभी को जो कॉमन जो कॉमनलिटी कल्चर प्रोवाइड करता है वो उसके बारे में पता लगता है, वो कहते हैं कास्ट सिस्टम है, लेकिन कहते हैं कास्ट सिस्टम जो है हमें उसको स्टडी करना पड़ेगा, कि हाँ कहते हैं हायर कास्ट लोअर कास्ट तो पक्का ही होती है, लेकिन स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि हर एक जगह कास्ट जो सिमिलर सी हायरार्की में नज़र नहीं आती, तो कहते हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या क्या दिए, डोमिनेंट कास्ट का संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट वगैरह, तो बहुत जगह यूज़ भी हुआ। तो अब इसको आप अगेन मैं थोड़ा रैपिडली समझाने की ट्राई करता हूँ, जो उन्होंने जब शुरुआत करते हैं अपने करियर की तो बोलते हैं ब्राह्मणाइजेशन, कि ब्राह्मणाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो बाकी कास्ट हैं वो अपनी टॉप कास्ट को कॉपी करने की ट्राई कर रही हैं, कॉपी नहीं वर्ड यूज़ करेंगे हम, क्या करने की ट्राई कर रहे हैं, इमिटेट, कल्चर को इमिटेट करने की ट्राई कर रही हैं, इमिटेट क्योंकि वर्ड भी यूज़ करते हैं ये, इमिटेशन करने की ट्राई कर रही हैं लोअर कास्ट बड़ी हायर कास्ट को, तो अकॉर्डिंगली वो कहते हैं हायर कास्ट कौन है, ब्राह्मिन्स, तो ब्राह्मणाइजेशन हो रही है, ठीक है, ओके। देन ग्रेजुअली कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, देन ये अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा इवॉल्व करते हैं, वो कहते हैं कि हर जगह पर टॉप जो कास्ट है वो ब्राह्मिन्स नहीं है, कहीं कहीं पर बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस लाइक लैंड एटसेट्रा, किसी के पास लैंड ज़्यादा है या धन दौलत ज़्यादा है, तो वो वाली कास्ट देखा गया ग्रेजुअली टॉपर आ गई, तो उसको क्या बोलते हैं, वो वहाँ पर वो कास्ट क्या बन गई है, डोमिनेंट कास्ट बन गई है ना, डोमिनेंट कास्ट। जैसे एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में जट एंड जाट है ना, वो अपने अपने इलाकों में डोमिनेंट कास्ट हैं, यादव अपने इलाकों में डोमिनेंट कास्ट हैं एटसेट्रा, तो जो कह रहे अगर कास्ट हायरार्की में देखते तो उनका नंबर थोड़ा नीचे आता, लेकिन डोमिनेंट है तो कहते हैं इसीलिए जो वहाँ के जो लोग हैं इन्हीं को चाहते हैं इमिटेट करना, तो वो संस्कृताइजेशन का नाम देते हैं वहाँ पर, कि संस्कृताइजेशन हो रही है, कि एक देखो कहते एक तो क्या करना पड़ेगा, पहले सेकुलर मोबिलिटी आएगी, ठीक है, दिस इज स्टेप वन, हम वे कास्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे, कहते स्टेप वन इज सेकुलर, कि पहले आपको कुछ कुछ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे लेट से आप अगर लोअर कास्ट हो लेट से, तो आपको पहले थोड़ा धन दौलत अर्जित करना पड़ेगा, लैंड इंक्रीज करनी पड़ेगी, या अच्छी कोई टॉप जॉब सरकार में लेनी पड़ेगी, या आपको पॉलिटिकल पावर हथियानी पड़ेगी, कुछ भी पांच छह चीज़ें बताते हैं, तो अकॉर्डिंगली कहते हैं उसके बाद वो है सेकुलर मोबिलिटी, सेकुलरली आप मोबिलाइज जो ऊपर मोबाइल हो जाओगे ऊपर आ जाओगे, एंड उसके बाद ही आप बोलोगे अच्छा अब मैं थोड़ा पवित्र तरह से भी रहूँगा, अब मैं जैसे नॉन वेज खाना छोड़ रहा हूँ, अब मैं उसके बाद मैं ये जनेऊ, जनेऊ जो रिलीजियस थ्रेड हिंदूज पहनते हैं, जो जो ब्राह्मण्स पहनते हैं वैसे प्राइमरली वो पहन रहा हूँ, कहते वो रिलीजियस मोबिलिटी भी है, जो आप जब रिलीजियस तरह से भी जो तरीके इमिटेट करते हो तो आपकी पूरी की पूरी कास्ट संस्कृताइज हो जाती है, तो लेकिन स्टेप वन में क्या बोलते हैं, स्टेप वन इज हैज़ टू बी सेकुलर। जैसे शाहरुख खान ने भी आपने सुना होगा, अभी शाहरुख खान की एक टेड टॉक है, बहुत ही फेमस टेड टॉक, उसमें वो क्या बोलते हैं कि अगर आप अमीर हो जाओ उसके बाद आप कुछ भी बोलोगे पीपल विल फॉलो यू, है ना, पीपल विल फॉलो योर फिलोसफी, तो वही वाली बात कहीं ना कहीं बहुत पहले श्रीनिवास जी भी कह गए, या फिर आप कह सकते हैं शाहरुख खान ने भी ये बात समझ ली, तो क्या बोलते हैं जो श्रीनिवास जी कि सेकुलर मतलब पहले कुछ कर दिखाओगे, आपकी कास्ट कर दिखाएगी, उसके बाद सेकुलर होने के बाद अब आप बोलोगे हाँ देखो मैं पवित्र भी हूँ, तो आपको समाज में अकॉर्डिंगली आपकी कास्ट को हायर पोजिशन पर बिठा दिया जाएगा, बन जाओगे कौन से डोमिनेंट कास्ट। देन वो कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन नाम का कॉन्सेप्ट भी है, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी टर्शरी, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में क्या होता है कि वेस्टर्नाइजेशन के कहते हैं जो अंग्रेज लोग आए हमारे देश में, अंग्रेज लोगों ने आकर पहले कुछ लोगों को चेंज किया, ठीक है, ये मान लो अंग्रेज लोग आए, उन्होंने आके पहले सबसे पहले किसी कुछ लोगों को चेंज किया फर्स्ट लेवल पर, तो उनको जैसे अंग्रेजी सिखाई या उनको अपने मैनर्स सिखाए, तो वो है प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन हो रही है। अब इनके टच में जो लोग आ रहे हैं जो लेवल टू पर आ रहे हैं ये है सेकेंडरी, एंड अब इन इन सब को देख कर जो ऑटोमेटिकली प्रभावित हो रहे हैं वो हैं टर्शरी, ठीक है, कि हम भी चलो थोड़ा सा इनके तौर तरीके अपनाते हैं एंड इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश स्कूल में जाते हैं जो भी, तो वो है टर्शरी वेस्टर्नाइजेशन। तो वेस्टर्नाइजेशन इस तरह से स्प्रेड करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, आपने ये कॉन्सेप्ट पेपर में बताना है, बहुत ही कम बुक्स में मिलता है, एक आधी को श्रीनिवास की खुद की लिखी किताब है उसी में आपको ये बात मिलेगी, एंड देन
सेकुलराइजेशन तो बोलते हैं लेटर ऑन ट्रेंड है, जब जो जितना सेकुलरली जो डील कर रहा है किसी से इकोनॉमी में या फिर अपने सोशल इंटरेक्शन में, उतना वो सोशल हायरार्की में उसके ऊपर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सभी बातें यहाँ पे ये बताई हैं। डोमिनेंट कास्ट इन्होंने स्टडी कहाँ पे की थी, रामपुरा विलेज, रामपुरा, ठीक है, रामपुरा को आपने याद रखना है, रिमेंबर्ड विलेज इनकी स्टडी भी आएगी। एंड देन उसके बाद रिलीजन एंड सोसाइटी में ब्राह्मणाइजेशन मैंने बताया, वही इमिटेशन करके जो वर्ड ये यूज़ करते हैं। ओके सॉरी दोस्तों, बीच में ये हैंग हो गया कंप्यूटर। ओके इट्स वर्किंग फाइन नाउ। ओके तो अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया संस्कृताइजेशन वेस्टर्नाइजेशन के बारे में, आप यू कैन क्विकली हैव अ लुक एंड मे बी जो इसके कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपने अंडरलाइन करके साइड में लगा के रखने हैं। ओके देन स्टडी ऑफ विलेज, तो स्टडी ऑफ विलेज में इन्होंने जो कौन सी देखो, आपने जब भी विलेज स्टडी आपने करनी होती है तो सबसे पहला जो हम विलेज स्टडी का चैप्टर भी पूरा करेंगे तो उसमें आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि कौन से विलेज में किसी ने क्या जाना, कौन सा वहाँ पे थ्योरी दी, उसकी स्टडी का नाम क्या रखा। ठीक है, तो ये सब बातें आपको बतानी चाहिए। जो कास्ट के बारे में भी इन्होंने कुछ पर्टिकुलर जो एक कुछ वो बताए अपने जो एट्रीब्यूट्स कह सकते हो आप, ठीक है, एंड वो क्या था, जैसे सेगमेंट्री, सेगमेंट्री मतलब एंडोगेमी की यूनिट है कि सिर्फ इसके विद इन ही शादी हो सकती है, इसके बियॉन्ड शादी नहीं करते कास्ट के बियॉन्ड। एंड देन कॉमन ऑक्यूपेशन फॉलो करते हैं कास्ट के मेंबर्स, पॉल्यूशन प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, पॉल्यूशन क्योंकि कुछ कास्ट पॉल्यूटेड मानी गई कुछ प्योर मानी गई, कॉमनसैलिटी कि किसके साथ खाना खा सकते हैं किसके साथ नहीं खा सकते, एंड देन उसके बाद की सेम कास्ट की पंचायत। ठीक है, तो इतना अभी कॉमनली नज़र नहीं आता लेकिन हाँ स्टिल अभी जैसे बहुत से जो एग्रेरियन सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर तो कास्ट पंचायत आज भी नज़र आती है। एंड देन डोमिनेंट कास्ट के यहाँ पे कुछ आपको एट्रीब्यूट्स मिलेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एट्रीब्यूट जानने कि डोमिनेंट कास्ट को कैसे बन पाती है। जैसे एरेबल लैंड मतलब जो कि फर्टाइल ज़मीन कितनी है किसी के पास, नंबर्स कितने हैं, एंड देन लोकल हायरार्की में क्या प्लेस है, मान लो कि सरपंच वगैरह बन जाता है अकॉर्डिंगली, वेस्टर्न एजुकेशन है तो कास्ट हायरार्की में ऊपर आने के चांस बढ़ गए, एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब है तो कास्ट हायरार्की में ऊपर आने के चांस बढ़ गए, एंड अर्बन सोर्स ऑफ इनकम विल डू द सेम। तो ये क्या बोलते हैं, लेकिन तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जैसे न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एंड ओनरशिप ऑफ लैंड एंड पॉलिटिकल पावर, ये थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनके जो बहुत हमने इनका भी क्रिटिसिज्म कवर किया है यूट्यूब पर, बहुत एक्सटेंसिव क्रिटिसिज्म है कि कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर करते हैं, स्टेटस क्वोज को चाहते हैं मेंटेन करना कि ऐसा ही रहेगा, एंड देन एम्पिरिकल एनार्किज्म मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो एम्पिरिकली देखा उसी को ही चाह रहे हैं एस्टैब्लिश करना, उसके बियॉन्ड ये बातों को नहीं देख रहे। एंड देन इलेजिटिमेट टीलॉजी मतलब कि डोमिनेंट कास्ट बनी कोई चीज़ तो हायरार्की में ऊपर आई, या हायरार्की में ऊपर आई तो डोमिनेंट कास्ट बनी, तो ये श्योर नहीं कर पाते हमें। एंड देन ये अपर कास्ट का व्यू ही नज़र आता है क्योंकि खुद भी जैसे श्रीनिवास एंड जैसे घूरे सब ब्राह्मण्स हैं तो ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। एंड देन अकॉर्डिंगली ये क्या बोलते हैं कि हिंदुआइज्ड ट्रेडिशन की बात करते हैं जो पूरे देश में है, एंड कहते हैं ये तो कोई सेकुलर ट्रेडिशन तो नहीं है हिंदुआइज ट्रेडिशन, एक पर्टिकुलर रिलीजन को अगर आप देखें उसके हिसाब से अगर देखें तो कहते हैं उसके बाद इनका जैसे एक और भी यहाँ पे आप पैरेलल लिख सकते हैं कि अगर कोई हिंदू ट्रेडिशन में नहीं फॉलो करता जैसे मान लो मुस्लिम्स हैं तो क्या उनकी कभी मोबिलिटी नहीं होगी जो श्रीनिवास के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो तो हिंदू जो फ्रेमवर्क के बियॉन्ड है तो अकॉर्डिंगली क्या उनकी मोबिलिटी नहीं होगी, इसलिए कहते हैं कहीं ना कहीं ये सभी को कवर करने वाला एस्पेक्ट तो नहीं है। ठीक है, एंड देन ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म के काफी करीब नजर आते हैं, अपर कास्ट एंड एलिटिस्ट व्यू भी माना गया। एंड ठीक है, एंड देन उसके बाद वो क्या माना गया, योगेंद्र सिंह ने कहते कहीं ना एक इनका एक ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म मतलब एक विचारधारा फॉलो कर ली उसी को बस वो लगे हुए ऑब्जेक्टिव मतलब उसी को अंत बनाकर वो लगे हुए प्रूव करने कि, एंड वो विचारधारा क्या है कि इंडिया तो बहुत स्लोली ही बदलता है इन कंपेरिजन टू वेस्ट, तो कहते लेकिन जो योगेंद्र सिंह मानते हैं कि इंडिया काफ़ी फास्ट बदला। ठीक है, तो इसलिए कहते जो ये बहुत सी बातें जो योगेंद्र सिंह जो अपने श्रीनिवास जी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। एंड देन मैत्री चौधरी ये भी क्या बोलते हैं कि जो थ्योरी काफ़ी कॉन्जर्वेटिव है, कहते ग्लोबलाइजेशन और फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के चलते भी बहुत बदलाव हुआ देश में, कहते उसके बारे में बात ही नहीं करते, इनकी थ्योरी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। एंड देन गेल ऑम्बट जब भी ना आपको गेल ऑम्बट का नाम याद है, मैं पहले बता चुका हूँ, ये शी रोट एक्सटेंसिवली ऑन दलित्स कि दलित्स कैसे हाईली ऑप्रेस्ड हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं कि कहते हैं जो इनका जो ब्राह्मणिक आइडियोलॉजी है ये सभी इंडियंस शेयर करते हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, एंड देन और इसके बाद वो गेल ऑम्बट एक और बात भी क्या बोलती हैं
कि कहते ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि दलित्स को वाई दे कुड नॉट बिकम अ डोमिनेंट कास्ट. कहते इनके पास बहुत सारे नंबर्स थे, इन स्पाइट ऑफ द नंबर्स दलित्स कुड नॉट बिकम अ डोमिनेंट कास्ट. तो कहते ये कहाँ का, ये कैसे फिर आपका जो आइडियोलॉजी ऊपर दिया था आपने कि लैंड हो एक्सेट्रा, तो कहते सिर्फ ये तो थियोरी आपकी थोड़ी फेल होती नजर आती है. एंड देन उसके बाद यहाँ पर वो क्या बोलते हैं योगेंद्र सिंह कि जो हमारी सोसाइटी तो बहुत और चीज़ों से भी जो बदली बहुत रैपिडली, जैसे इस्लाम के इम्पैक्ट में, वेस्टर्नाइजेशन के इम्पैक्ट में, है ना, सोसाइटी विलेजेस तक बदल गए. तो कहते हैं आपने उस एस्पेक्ट को आपने नहीं लिया. देन जो घनश्याम शाह वो क्या बोलते हैं डोमिनेंट कास्ट कहते कुछ नहीं है, सिर्फ क्लास है, क्लास मोबिलाइजेशन. जैसे जैसे आप अमीर हो जाओगे अपने आप ही आप डोमिनेंट हो जाओगे. योगेश अटल क्या बोलते हैं कि डोमिनेंट कास्ट की के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं. ये हमने जैसे पहले भी बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कहते हैं मल्टीपल लेवल पर डोमिनेंसेज होती हैं. एमएनएस जो हमें श्रीनिवास जी बता नहीं पाते कौन सी डोमिनेंस की बात हो रही है. कहते विलेज लेवल पर फैमिली डोमिनेट करती है, स्टेट लेवल पर कास्ट डोमिनेट कर सकती है, नेशनल लेवल पर बहुत सी डोमिनेंट कास्ट मिलकर डोमिनेट कर सकती हैं. तो कौन सी डोमिनेंस की बात हो रही है ये क्लियर नहीं है. ठीक है. एंड देन मुखर्जी क्या बोलते हैं कि आपने विलेज स्टडी को बोल रहे हो कि माइक्रोकॉजम हमारे देश का विलेज है. कहते हैं दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली राइट, क्योंकि कहते हैं जो कैपिटलिस्टिक इंडिया में अर्बन एरियाज पॉलिसी बनाते हैं विलेजेस तो सिर्फ रिसीव करते हैं, दे आर अ मेयर रिसिपियंट. तो विलेजेस रिसीव करते हैं, अर्बन एरियाज पॉलिसी बना रहे हैं. तो कहते हैं हमें अर्बन एरियाज को स्टडी करना चाहिए, अर्बन पॉलिसी स्टडी करनी चाहिए, ना कि विलेज स्टडीज करनी चाहिए. ठीक है. एंड नॉन हिंदू कम्युनिटीज़ की मोबिलिटी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हम संस्कृताइजेशन के बियॉन्ड, है ना. एंड देन और कहते हैं सब कास्ट इतनी सारी होती हैं कि कहते हैं जैसे अगर आप देखो, अगर कास्ट देखें तो अपने पास चार कास्ट हैं, चार कास्ट में इतनी सारी सब कास्ट हैं, इतनी सारी सब कास्ट, कोई सब कास्ट ऊपर है कोई नीचे है. तो कहते हैं ये कैसे है, कहते हैं आपकी कास्ट मोबिलिटी नहीं है तो सब कास्ट मोबिलिटी लग रही है. एंड देन जो कहते हैं गुजरात में जो आपके पास खाम माए, है ना, अकॉर्डिंगली जो वेरियस जो ग्रुप्स बने, दीपांकर गुप्ता क्या बोलते हैं अकॉर्डिंगली कि कहते हैं बहुत सारी जो कास्ट इकट्ठे होकर डोमिनेंट कास्ट को ओवर पावर भी कर लेती हैं. ठीक है. जैसे खाम ने क्या मिलकर पाटेदार्स को, पाटेदार्स वर डोमिनेंट कास्ट अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास, कहते हैं उनको ओवर पावर भी कर लिया. तो कहते हैं आपका जो ये जो आइडिया है ऑफ डोमिनेंट कास्ट अगेन सीम्स थोड़ा सा फ्लॉड. एंड देन उसके बाद ये जो हमने पीछे देखा ही, ठीक है, कि ओवरऑल कि क्या क्या इनमें कमियां हैं. ओके. थोड़े से टाइपोज हैं क्योंकि हम टाइपिंग के लिए पर्टिकुलरली हम किसी को आउटसोर्स करते हैं तो वहाँ पे टाइपोज आ जाते हैं, जितना मैक्सिमम रिजॉल्व हो जाता है लेकिन चीज़ें रह जाती हैं. तो आप लेक्चर को सुनते रहो एंड साइड में उनको प्लीज़ जो अमेंड करते रहो. ठीक है. क्योंकि ये वाले जो पर्टिकुलर काम है, ये वाले बहुत ही ट्रिवियल से काम है, बट दे टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम कि एक एक शब्द को ढूंढ के जो करना, क्योंकि हम अपना हैंड रिटन नोट्स हैं उनको हमने जो टाइप करवा कैसे करवाया, तो ये टाइपोज दे क्रीप इन आई जाते हैं, जो टाइपोग्राफिकल एरर्स. ओके. देन मार्क्सिस्ट जो हमारी सोशियोलॉजी का शुरुआत हमारे देश में ए आर देसाई ने करी प्राइमरली, अदरवाइज मार्क्सिस्ट एजेंडा तो हमारे देश में बहुत टाइम से है, लेकिन उसको ऐसे सोशियोलॉजी को मार्क्सिस्ट तरह से समझना, हमारे देश के इतिहास को मार्क्सिस्ट तरह से समझना, ए आर देसाई पायनियर है. तो अब इसके बाद यहाँ पे जो मार्क्स एंड मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री को अलग नहीं कर सकते हमारे देश से, जो हिस्ट्री तो साथ ही साथ है, इंटरडिपेंडेंट है सोसाइटी के, एंड अकॉर्डिंगली बहुत से हमारे पास जो ये रहे नोटेबल मार्क्सिस्ट एंड अल्टरनेट विजन प्रोवाइड करी है हमारे देश को समझने की कि किस तरह से. ठीक है. एंड देन उसके बाद वो कहते हैं जैसे मार्क्सिस्ट आइडिया ही क्या होता है कि सोसाइटी डायलेक्टिक्स के थ्रू चल रही है, तो अकॉर्डिंगली कहते हैं इंडोलॉजी सिर्फ हिस्ट्री बता रही है, स्ट्रक्चर फंक्शन हम सिर्फ प्रेजेंट बता रहे हैं. तो कहते हैं कि हम दोनों को जोड़ेंगे एंड डायलेक्टिक्स को समझेंगे, मार्क्सिस्ट व्यू देंगे, एंड अकॉर्डिंगली वो डायलेक्टिक्स प्लस इकोनॉमी दोनों के मिक्सचर के थ्रू ही आपको मार्क्सिस्ट एजेंडा नजर आता है. तो अब जो डेनियल थॉर्नर है, ठीक है, डेनियल नाम ठीक कर लीजिए यहाँ पर, डेनियल थॉर्नर, तो ये क्या बोलते हैं कि एग्रेरियन क्लास समझने की ट्राई करते हैं ये. ठीक है. इससे जो कैथलीन ये देखो, ओके सॉरी दोस्तों, ये कैथलीन गोफ जो है वो क्लास एंड कास्ट का नेक्सस के बारे में बात करती हैं. आईपी देसाई क्या बताते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिवीजन ऑफ लेबर के चलते जॉइंट फैमिलीज क्यों सर्वाइव करती हैं. एंड देन उसके बाद बैरेमन ये ईपीडब्ल्यू में भी लिखते हैं, बैरेमन जो जजमानी सिस्टम को जो बताया गया था, जो विलियन वाइजर बोलते हैं जजमानी सर बहुत फंक्शनल सिस्टम है, कहते हैं सर कुछ फंक्शनल नहीं है, एक्सप्लॉयटेटिव है. कामिन्स जो होते हैं सबसे जो रोज़मर्रा के मजदूर हैं, कहते हैं उनके लिए बहुत एक्सप्लॉयटेटिव है जजमानी.
तो अब अकॉर्डिंगली मार्क्सिस्ट मेथडोलॉजी क्या है? देखो बेरेमन की स्पेलिंग क्या है, BERREMAN, स्पेलिंग गलत मत करना। थिंकर की स्पेलिंग गलत मतलब आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, दैट मीन्स कि आपने अपना जो जो नोट्स वगैरह कहीं भी या तो किसी ने सुना दिया आपको, आपने फटाफट लिख लिए। तो स्पेलिंग जब आप सही लिखते हो दैट मीन्स आपने सोर्स सही देखा है, आपकी किताब से आपने पढ़ा है कहीं भी या फिर जो भी है ना, इग्नू से, बुक से। तो इसीलिए सोर्स हैज टू बी राइट। सिंपली शोज टू द एग्जामिनर कि आपने मेहनत करके अपने खुद के नोट्स बनाए। अदरवाइज अगर स्पेलिंग ही गलत है मतलब पक्का कोई आपको सुना रहा था, आपने फटाफट लिखने की ट्राई करी, कुछ ध्यान नहीं दिया, कुछ रिसर्च नहीं करी, चेक नहीं किया कि कौन बंदा है कौन नहीं। अब ये मार्क्सिस्ट जो लोग हैं काम कैसे करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे देखते हैं कि किस तरह से वेरियस जो पॉइंट्स ऑफ टाइम में हिस्ट्री के कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई। देसाई भी क्या बोलते हैं, देसाई बोलते हैं कि इंडियन जो कल्चर कहते हैं यूनिक है, कहते हैं ऐसा सर कुछ नहीं है, इंडियन कल्चर को भी इकोनॉमिक परस्पेक्टिव मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव से हम देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम बर्थ ग्रोथ एंड राइज ऑफ इंडियन सोसाइटी को समझ सकते हैं। अब इनकी आइडियाज़ को 5-6 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखो किताब से ही समराइज़ किया हुआ है, किताब को पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिकली शुरू के कुछ चैप्टर्स में कहानी समझ आ जाएगी। इनकी किताब बहुत ज़्यादा फेमस किताब है, वो है SBIN, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो उसमें इनकी विचारधारा समझ आती है, अदरवाइज इंटरनेट पे इनके पेपर्स पढ़े हुए हैं। चलो अभी एग्जाम नज़दीक है अगर, तो इसको पढ़ने की इतना जरूरत नहीं है, यहाँ पे समराइज तो किया ही है। तो अब इनकी आइडियाज़ हैं कि कास्ट का बर्थ कैसे हुआ। वो कहते हैं कि आर्यन आए, उन्होंने हमें इन्वेट किया यहाँ पर, जो हमारा प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन था जो कि क्या था नहीं पता हमें, तो उसको इन्वेट किया एंड उसको चेंज किया, एंड अकॉर्डिंगली जो जो इंडिजिनस लोग थे उनको सेपरेट रेजिडेंस में गांव से बाहर रख दिया, एंड वहाँ से कहते कास्ट शुरू होती है। एंड आर्यन ने खुद को सुपीरियर डिक्लेयर किया, ब्राह्मण बोला, एंड अकॉर्डिंगली जो कहते डिफरेंट डिफरेंट जो जो इंडिजिनस ट्राइब्स थे और जो टोटम्स को वर्शिप करते थे उसके थ्रू उनके नाम पढ़ते गए। तो जैसे एंड कहते विद टाइम ब्राह्मण्स ने अपने जो टेक्स्ट को लिख भी दिया और अपने ही तरह से लिख दिया, तो रिजिडिफाई भी कर दिया सिस्टम, एंड सिस्टम खुद को उन्होंने क्या बना दिया, हेड बना दिया, ठीक है कि हम ही सब हेड हैं। एंड जैसे अगर हम पेयर बोर्डू की बात माने तो ये कल्चरल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ब्राह्मण जैसे ना कहा गया था ना कि जो ब्रह्मा का जो है जो हेड है वो ब्राह्मण है, ब्रह्मा के शोल्डर्स क्षत्रिया हैं, ब्रह्मा की लेग्स वैश्य, एंड ब्रह्मा के जो फीट हैं वो हैं शूद्र, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इस तरह से क्लासिफाई किया गया। एंड देन बुद्धिज्म जैनिज्म पे क्या बोलते हैं, ये कहते हैं जो नए नए तरह के राजा आ रहे थे, एंड नए नए तरह के राजा खुद को लेजिटिमाइज चाहते थे करवाना उनकी, और अब जैसे नए तरह के राजा थे वो लोअर कास्ट के थे, उनको उनको ऐसे तो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नए गॉड्स क्रिएट कर दिए, जैसे कौन, बुद्ध एंड जैन, नए गॉड क्रिएट कर दिए नए नए राजाओं ने, ताकि उनको एक्सेप्टेंस मिल जाए एंड अकॉर्डिंगली उनको आशीर्वाद मिल जाए, उनको बोलें कि हाँ ये भी राजा बन सकते हैं, ठीक है। जो पर्टिकुलरली आपको पता ही है कि पहले जो डिवाइन जो ज़रूरी था कि भगवान ने कहा है तो ही राज कर रहे हैं हम, तो इसलिए कहते हैं कि कहते ग्रेजुअली उन्होंने क्या किया कि हिंदुज़म ने बुद्ध को भी अपने ही अवतार बनाकर, अपने जो हम ये स्टैंडर्ड पढ़ते हैं जो कि हिंदुज़म ने बुद्ध को अपना एक अवतार बना दिया एंड अपना अपने आप को और स्ट्रांग कर लिया, ठीक है जी। क्लासेज इन इंडिया, क्लासेस इन इंडिया में कहते हैं कि हमेशा से हम मास्टर एंड सर्विस की तरह देख सकते हैं, सर्विस क्लास खुद को मॉरली एंड सोशली सुपीरियर मानती है, मास्टर जो एंड जो 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 सर्विस क्लास है मतलब जो नीचे वाली क्लास है वो मॉरली एंड सोशली बाउंड है कि मास्टर को सर्व करने के लिए, ठीक है, एंड मास्टर जो है वो सुपीरियर है अकॉर्डिंगली। एंड फ्यूडलिज्म वो कह रहे हैं कि अब देखो एज सच नहीं, क्या बताते हैं कि ये थोड़ा सा यूरोपियन जो फ्यूडलिज्म से डिफरेंट है जो इंडियन फ्यूडलिज्म, एंड वो क्या कहते हैं इंडियन केम फ्रॉम अबव एंड जो यूरोपियन केम फ्रॉम बिलो। देखो एज सच ये इतना क्लियर नहीं है लेकिन मैं समझाने की ट्राई करता हूँ कि इसका मतलब क्या है कि देखो इंडिया में क्या होता है, प्राइमरली इंडिया में जो जो हमारा राजा है या जो भी लॉर्ड है या चीफ है वो बता रहा है कि कौन, देखो ज़मीन का मालिक वो है एंड ग्रेजुअली वो बता रहा है कि अच्छा ये ज़मीन आपकी, यहाँ पे आप खेती आप करो, यहाँ पे खेती आप करो। तो वो इंडियन फ्यूडलिज्म इज़ कमिंग फ्रॉम अबव, राजा या किंग जो भी है जो चीफ वो बता रहा है, यूरोपियन वॉज फ्रॉम बिलो कि कैसे कि लोगों की ज़मीन थी एंड अकॉर्डिंगली लोग डिसाइड करते थे कि कौन, जैसे अच्छा ये हमारे लोकल चीफटेन होंगे, वो चीफटेन्स मिलके अकॉर्डिंगली अपना बड़ा राजा चूज किया करते थे। तो ये ऐसा देसाई मानते हैं कि जो ये बेसिक स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है कि ज़मीन ऊपर से मिलती है किसान को करने के लिए या फिर नीचे वाले किसान बताते हैं कि हमारी जो ओवरऑल जो लॉर्ड या फिर किंग कौन होगा। ओके इसीलिए कहते हैं हमारे यहाँ पर जो मासेज हैं एंड वो क्या है, उनकी लॉस ऑफ पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम हो गई इसके कारण, क्योंकि जो जो ज़मीन वगैरह ऊपर से मिलती है। एंड देन उसके बाद क्या होता है
कि कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का राइज होता है, जैसे जैसे जो कॉलोनियल जो हमारे पास रूलर्स आते हैं वो रेलवेज, रोडवेज, डिफरेंट टेन्योर सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, लीगल कोर्ट्स, पुलिस सिस्टम, कैश ट्रांजैक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट ये लेकर आते हैं, कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन शुरू होता है। मशीन्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज, मशीन्स आती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हमारी जो कॉटेज मतलब जो छोटे छोटे घरों में चल रही हैं वो बंद हो जाती हैं, जो पेजेंट्स के जो जो राइट थे जो लैंड पर वो चले जाते हैं, एंड कैश क्रॉप्स एंड इंडिगो उगाने पर उनको मजबूर कर दिया गया। देन उसके बाद 1857 के रिवोल्ट को कैसे समझते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कह रहे हैं फ्यूडलिज्म जो था, राजा रूजा लोग जा रहे हैं, कैपिटलिज्म मतलब अंग्रेज लोग आ रहे हैं, तो कहते हैं उसके बीच की जंग है ये, ठीक है, जो उसको क्या बोलते हैं वो फॉलिंग फ्यूडलिज्म वर्सेस राइजिंग कैपिटलिज्म, कहते हैं इसकी जंग है ये। तो एंड और वो कहते हैं इसलिए कहते हैं आप देखते हो कि 1857 में बहुत सारे छोटे छोटे राजाओं ने सपोर्ट किया था जो म्यूटिनी के लिए एंड अकॉर्डिंगली अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि कहते हैं क्लियरली दिखता है कि फ्यूडल लॉर्ड्स दे आर फाइटिंग कैपिटलिस्ट्स। ओके, एंड देन उसके बाद वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को वो पांच फेजेस में बताने की ट्राई करते हैं, एंड जो एंड वो कह रहे हैं कि जैसे ना जो हमारे लिबरल हिस्टोरियंस हैं या नेशनल हिस्टोरियंस हैं वो देश को ठीक से देखते ही नहीं, एंड जो नेशनल मूवमेंट को उन्होंने बहुत ही ग्लोरीफाई कर दिया है, जबकि कहते हैं क्या, कहते जो पुराने जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे हमारे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो इंडस्ट्री में, अगर जैसे ग्रेजुअली इंडस्ट्री में आना शुरू हो गए, एंड उसके बाद कहते हैं कि जो इमर्जेंट जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मिडिल क्लास थे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब चाहिए, पॉलिटिक्स में, पुलिस में अपना उनको हिस्सा चाहिए, अकॉर्डिंगली उनको अंग्रेज बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते, तो मास मोबिलाइजेशन शुरू करते हैं, एंड उसका नाम क्या रख देते हैं वो, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है जी। एंड वो कह रहे हैं जैसे अब देन ही राइट इन इज बुक कि द सो कॉल्ड नेशनल लीडर्स लाइक गांधी एंड नेहरू, इन्होंने पॉलिसीज ऐसे जो ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करी हैं नॉट टू वाइप आउट क्लास इनइक्वालिटीज, रादर दे प्रेफर टू ग्लोरीफाई नेशनल, कि नेशन को ग्लोरीफाई किया इन द माइंड्स ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द हंगरी स्पीचलेस मासेज इन इंडिया टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम द हैंड्स ऑफ एक्सटर्नल कॉलोनाइजर्स टू इंटरनल कॉलोनाइजर, बात समझे आप ये। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे कहते ऐसे कहते कोई पॉलिसी वगैरह एज सच उनके पास थी नहीं एजेंडा, सिर्फ उन्होंने जो भूखे और जो स्पीचलेस लोगों को नेशनल मूवमेंट के नाम पर जो मार्च करवाया एंड क्या किया, बाहर के जो कॉलोनाइजर से पावर छीनकर अपने हाथों में ले ली, ठीक है जी। तो वो कहते हैं कि इसलिए देश में हमारी डेमोक्रेसी है विदाउट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ही इज वेरी क्रिटिकल, ठीक है, क्योंकि टोटल मार्क्सिस्ट जो लोग होते हैं जो एकदम भयंकर बातें करते हैं जो लोगों लोग सुन ही नहीं सकते, आज के ज़माने में उनकी लिंचिंग हो जाती है मोर और लेस, है ना, एंड पिटाई वगैरह हो जाती है, लेकिन उस ज़माने में पर्टिकुलरली कम से कम जैसे 60s में वेन ही गिव्स दिस स्पीच, अपनी किताब लिखते हैं, तो हैंड जो रिजीम सुनती है, जैसे आपको मैं एक ऑफ द हुक बात बताता हूँ, जैसे पर्टिकुलरली ना जैसे जो रिजीम अपने साथ इंटेलेक्चुअल्स को लगाए रखती है ना एंड इंटेलेक्चुअल को मौका देती है कि आप हमें क्रिटिसाइज कीजिए एट्सेट्रा, तो वेंटिंग आउट तो हो ही रही है एंड वेंटिंग आउट हो रही है, एंड जब तक उनको अच्छा सा जैसे ना आपने कभी देखा हो कि जैसे जो JNU का प्रेमिसेस है लेट 70s में बनाया गया, एंड लेट 70s में बनाया गया अकॉर्डिंगली जो वहाँ पर, एंड अगर आप कभी JNU के कैंपस गए हो वहाँ पर रहे हो तो यू विल रियलाइज कि कितना मज़ेदार कैंपस है, कितना सुंदर कैंपस है, एंड वो क्या है कि जो बहुत ही जो भयंकर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको एक स्पेस प्रोवाइड की हुई है कि आप यहाँ रहिए अपने इस मज़ेदार से इलाके में, एंड जितना सरकार को बोलना है बुरा भला बोलते रहिए, ठीक है, एंड वो एक ऐसे स्पेस प्रोवाइड की हुई है जहाँ पर वेंटिंग आउट चलती रहती है इंटेलेक्चुअल्स की, एंड अगर आप उस स्पेस को अगर आप ट्रैम्पल करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सरकारों के लिए अच्छा नतीजा नहीं होगा, तो इसीलिए पर्टिकुलर जो अभी प्रेजेंट रेजिम है उस पर ट्रैम्पल करने की ट्राई करती है, तो हम क्या देखते हैं बहुत जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं दे स्टार्ट कमिंग आउट ऑन डिफरेंट स्पेसेस, एंड जो डिफरेंट स्पेसेस पे आके लोगों को फिर वो बताने की ट्राई करते हैं ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, अदरवाइज तो जो पहले वाली जो रजीम्स रही हैं हमारे देश में उन्होंने क्या किया है, जो अगर आप उसका पैटर्न देखने की ट्राई करें कि एक स्पेसिफिक सी स्पेस में कन्फाइन कर दिया इंटेलेक्चुअल्स को और मज़ेदार सी पूरी सुविधाएं फैसिलिटीज देकर बोला कि आप यहाँ पे बैठ के जितना सरकार को कोसना है कोसते रहिए, तो ये जो प्रेजेंट रजीम का थोड़ा तो एजेंडा डिफरेंट है, तो और इंटेलेक्चुअली अगर इसको हम अकेडमिकली देखें तो, ठीक है, ओके। देन उसके बाद वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक फ्रीडम भी हमारे पास ना तो कहते डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन आई, ना ही इकोनॉमिक फ्रीडम आई, ना ही पॉलिटिकल फ्रीडम, डेमोक्रेसी आ गई, तो इसलिए AR देसाई इज वेरी एंग्री। एंड देन कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज पे वो क्या बोलते हैं, जो ये पांच फेजेस हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे, देन कंटेम्प्रेरी पॉलिसी में क्या बोलते हैं कि ही इज़ वेरी स्केप्टिकल, उनको बिल्कुल शक की नज़र से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं जो नई जो पॉलिसीज़ हैं व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रमोटिंग फॉल्स कॉन्शियसनेस, कि सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे जैसे हमारे पास
पास जो लैंड रिफॉर्म्स आ रहे हैं, रिजर्वेशन आ रहे हैं, ये इस तरह के पॉलिसीज हैं कि बस कि लगता रहे कि हाँ हाँ कॉन्सेशन मिल गया, फॉल्स कॉन्शियसनेस बनी रहे एंड ट्रू कॉन्शियसनेस कभी ना आए जो लिबरेट करने वाली है, ठीक है। इसीलिए जो जो ग्रेजुअली कहते हैं ये जो कॉन्शियस कहते हैं जानबूझ के ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है ताकि जो डोमिनेंट ग्रुप है वो अपने आप को जैसे ना ग्लोरीफाई करवाता रहे एंड अकॉर्डिंगली जो डिप्राइव्ड सेक्शंस वगैरह हैं वो उन्हीं को ही री इलेक्ट करते रहें। एंड तो इसीलिए क्या कहते हैं, जैसे देसाई का अटेम्प्ट क्या है, पॉवर्टी, इलिटरेसी, बैकवर्डनेस, मार्जिनलाइजेशन ऑफ मासेस को समझने की ट्राई करते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री, ठीक है। एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ड्रिवन बाय कॉन्शियस आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स की जानबूझकर बनाया गया ऐसा, ठीक है। एंड वो कहते हैं जितने भी जो हमारे नेशनल मूवमेंट है, डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं, सिर्फ ये पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं जो कि ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस को आने से रोकते हैं एंड पोलराइजेशन होने से भी रोकते हैं, ताकि ताकि मार्क्स का कभी जो जो सपना था कि सच में कॉन्शियसनेस आएगी पोलराइजेशन जब होने के बाद, तो अकॉर्डिंगली जो क्लासलेस सोसाइटी बन पाएगी। क्रिटिसिज्म में भी आप इसके बारे में देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमने जैसे पॉइंट्स वहाँ पर भी कवर किए हैं। जो ये हमारा जो चैप्टर नंबर A1 है, A1 में जो तीन टॉपिक्स हैं हमारे पास, जो GS घुरे एंड जो MN श्रीनिवास एंड हमारे पास AR देसाई, तो ये तीनों हमने कवर किए बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली इनसे जुड़े हुए टॉपिक्स। तो मैं इसीलिए आपको अगेन मैं बोलता हूँ कि सुन लोगे अगर 1-1.5-2 घंटा लगा लोगे तो देर इज जस्ट नो हार्म, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा वहाँ पे एक्स्ट्रा ज्ञान भी अवेलेबल है तो उसको भी जान लेना, एंड कंटेम्प्रेरी ज्ञान अवेलेबल है, कंटेम्प्रेरी क्या चल रहा है, तो इसीलिए मतलब उसमें से काफ़ी जो फायदा हो सकता है। जैसे ये जो रणजीत गुहा का सब ऑल्टन क्या होती है, हेजेमोनिस्टिक डोमिनेशन, ये सब वहाँ बताने की ट्राई की है। AR देसाई पर जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी बातें अगर आपको जाननी हो कि GS घुरे के अंडर काम किया, किताब कौन सी है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडिया लेवल प्रॉब्लम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आए, एंड इनका क्लेम टू फेम क्या है कि जो 15th ऑल इंडिया सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर इन्होंने 27 पॉइंट्स दिए कि वाई कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती, हमें क्यों इंडियन सोशियोलॉजी को मार्क्सिस्ट तरह से समझना चाहिए। एंड इनके कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ मैं आपको बताया था जो जो देसाई के हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं, आजकल की चीज़ों पे क्या बोलते हैं, वो कहते हैं ये बुर्जुआ मतलब कि अमीरों का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, लीडरशिप जो थी बिल्कुल कैपिटलिस्टिक है, एंड स्लोगन जो सोशलिज्म का दिया हमने कहते हैं ये हो इट्स अ हो मतलब कि सिर्फ ऐसा एक नारा है कि जनता को गुमराह करने के लिए, ठीक है, एंड कन्फ्यूज करने के लिए। एंड देन स्टेट के बारे में वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं जैसे स्टेट साइंस 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 हर वक्त कर रही है, कहते हैं जबकि स्टेट साइंस प्रीच करती है लेकिन रिवाइवलिस्ट है, एंड रिलीजन को ऐसे क्या पॉपुलराइज करती है। वो कहते हैं जैसे इंडिया को भारत नाम रखना, कहते हैं टोटली ये तो कहते हैं भारत, तो भारत वंश पुराना रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह में लिखा हुआ है, अच्छा जी। एंड देन ये क्या बोलते हैं कि जो हमारे जो नेशनल सिंबल को धर्म चक्र बनाना, एंड ठीक है वो कहते हैं स्टेट सेकुलरिज्म की बात करती है लेकिन हमारे स्टेट के बहुत सारे सिंबल हैं वो रिलीजन से ही ड्रिवन है, तो इसलिए कहते हैं स्टेट हमारी कहीं ना कहीं आपको फॉल्स कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाती है। एंड देन वो क्या बोलते हैं कल्चर, वो कहते हैं कल्चर जो है हमारा, वो जो कहते हैं जो रूलिंग बुर्जुआ क्लासेस हैं, जो डोमिनेंट क्लासेस हैं, वो जो क्या है आइडियलिस्टिक एंड रिलीजियो मिस्टिकल फिलोसफीज को रीइन्फोर्स करती हैं। मतलब क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ना एक दूसरी बात से कह के वो रिलीजन का नाम लेकर या आइडियोलॉजी या फिर ऐसी ऐसी बातें करके आपको वो क्या करते हैं रीइन्फोर्स करने की ट्राई करती हैं, जो रूल कर रहे हैं आपको अभी जो भी बुर्जुआ मतलब कि जो कैपिटलिस्टिक रूल कर रहे हैं या जो आपकी स्टेट में जो आपको रूल कर रहे हैं वो क्या है, वो आपके हित में काम कर रहे हैं। एंड आपको वो ऐसे देखो सिंपल सी बात क्या है कि जो मिस्टिकल बातें करना, कि मिस्टिकल मतलब कि ऐसे हाई फाई फिलॉसफी की बातें करना, जैसे ना आप सुनते हैं अभी बहुत सारे जैसे जो चीज़ें हैं, तो कहते हैं उसको इन्वोक करके, उसको कल्चर के नाम पे इन्वोक करके जो डोमिनेंट क्लासेस हैं वो डोमिनेट करने की, जो परपेचुअली डोमिनेट करने की आपको ट्राई करती हैं। डेवलपमेंट पे किताब लिखते हैं ये इंडियाज़ पाथ ऑफ डेवलपमेंट, एंड वो क्या बोलते हैं कि हमारा जो अभी जो सोसाइटी है वो बहुत ही वीक इंडियन कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, ये इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल जी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है इसको रिजॉल्व नहीं कर सकती, और कहते हैं विद टाइम तो ये डीपन होता जाएगा क्राइसिस। एंड वो कहते हैं कैपिटलिज्म में कहते वैसे भी पॉसिबल नहीं है कि मास पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को, सबको इसको जो फाइट कर पाना, इसलिए वो क्या बोलते हैं कि सोशलिज्म जब सच्ची सेंस में आएगा तो ही कहते कुछ क्राइसिस एंड होगा। एंड कहते वो कैसा होगा, कहते हमें कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा उसके लिए, जैसे राइट टू वर्क देना पड़ेगा और हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी हटानी पड़ेगी, तभी ही कहते हमारी इंडियन सोसाइटी रिफॉर्म हो पाएगी, ठीक है ओके।
तो जैसे ये पर्टिकुलर जैसे इंटरैक्शनल थ्योरी, ये हमने पैसे हमें थोड़ा पहले डिस्कस करी कि जैसे कि अगर कोई कास्ट किसी दूसरी कास्ट से अगर फूड रिसीव करती है, एंड जितनी ज़्यादा कास्ट से रिसीव करेगी उतना उतना वो हायरार्की में लो होगी, एंड अकॉर्डिंगली मैकी मैरियट का ये व्यू है, मैकी मैरियट का, कि जो कास्ट बाकी जितनी ज़्यादा कास्ट से फूड रिसीव करेगी उतनी अपनी हायरार्की में नीचे आएगी। बाकी ये जो है हमारे पास कुछ जो लेटर ऑन हमारे पास जो जो मार्क्सिस्ट हैं उनका आइडिया, उनकी उनका क्रिटिसिज्म, तो ये सभी ना एक अगेन आई रिपीट वंस अगेन यूट्यूब पर हमारे पास जो चैप्टर नंबर A1 है जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके वीडियोस हैं। ये वाला जो वीडियो है जो अभी हमने बनाया ये तो बहुत रैपिडली चीज़ें कवर कर रहा है एंड बहुत सारा आपको कंटेंट देने की ट्राई कर रहा है, लेकिन आप अगर एक मेरी अगर बात ज़िंदगी माननी हो तो ये वाली बात क्या मानेंगे आप कि आप यूट्यूब में जाकर वो A1 वाले हमारे जो वीडियोज़ हैं जो जो पूरा A1 के जो वेरियस वीडियो जैसे घूरे की बात करते हैं उनका क्रिटिसिज्म करते हैं, इंडोलॉजी का क्रिटिसिज्म करते हैं, कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, एंड श्रीनिवास एट्सेट्रा देसाई मॉडर्न जो क्या क्या चल रहा है इंडिया में, मार्क्सिज्म में लेटेस्ट क्या चल रहा है, ये सब बातें है ना। ये अगर ना वैसे भी जान लोगे, पेपर में नहीं पूछी जा रही, जान लोगे, नोट करके कहीं रखोगे, पेपर में कोट करोगे, डेफिनेटली ये यू विल शो एंड यू विल हाईलाइट कि आप पढ़ लिख रहे हो लेटली। ऐसा नहीं है कि किसी के बने बनाए नोट्स हैं 8-10 साल पुराने, 5 साल 4 साल पुराने, वही, क्योंकि जो बहुत से जगहों पर पढ़ाया जा रहा है वो तो स्टैंडर्ड से नोट्स ही हैं और उन्हीं नोट्स को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। अपनी रिसर्च कितनी करी आपने? अपनी रिसर्च करने के लिए जनरली यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम। लेट्स से अगर टाइम अभी थोड़ा सा अगर किल्लत चल रही है, दिक्कत है, तो प्लीज उस उन वीडियोस में से जो कंटेंट पड़ा हुआ है कुछ कुछ पॉइंट्स तो निकाल लेना, अपने नोट्स में डाल लेना। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे लग जाएंगे। 3 घंटे अगर आपको 15 से 20 नंबर दे रहे हैं तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। ठीक है, तो ये करना ही करना है, तो दैट्स इट। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अब जल्दी ही, और वो है अब A2, एंड ग्रेजुअली उसके आगे जो चैप्टर्स हैं वो हमारे यूट्यूब पे कवर्ड नहीं है तो मैं उसमें और एक्सटेंसिव वहाँ पर काम करता जाऊँगा, एंड पैरेलली अ लॉट ऑफ कंटेम्प्रेरी थिंग्स विल कीप डिस्कसिंग। ठीक है, चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में। ये वाला वीडियो है, यहाँ पर आपको यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ की मदद एक बार लेनी पड़ेगी। ऑल राइट दोस्तों, ठीक है, चलो मिलेंगे बहुत जल्दी अगले लेक्चर के साथ। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।